दिनेश सिंह पूर्व राष्ट्रीय सचिव ठाकुर ग्रुप नोएडा होम्स 121 निवासी जिला गौतम बुद्ध नगर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रभारी श्री जितेंद्र सिकरवार और केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। श्री दिनेश सिंह पिछले कई सालों से अपने समाज के लिए बिना भेदभाव के काम करते रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो पहले की तरह पूरी ईमानदारी से संगठन के विकास को लेकर प्रयास करेंगे। श्री दिनेश सिंह की मुख्य जिम्मेदारियां इस प्रकार है: राजपूत समाज को संगठित करना, राजपूत समाज के पिछड़े और कमजोर लोगों को शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था में सहयोग करना, समाज में सुधार के लिए प्रयास करना और सहयोग करना, गरीब बेटियों की शादी करवाना और गरीब परिवार की उत्थान में उनका सहयोग करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, संगठन का गठन जिस उद्देश्य से किया गया उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे, समाज से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। इस पर श्री दिनेश सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान में एक विधान और एक संविधान तथा सबका विकास का जो संकल्प है उसको ताकतवर एवं सफल बनाते हुए सशक्त भारत के निर्माण में कार्य करने वाले देश का अग्रणी सामाजिक संगठन ठाकुर ग्रुप के राष्ट्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी पदाधिकारियों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया। दिनेश सिंह ने आगे खुशी व्यक्त करते हुए कहा, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही आश्वासन प्रदान करता हूं कि समाज एवं राष्ट्र के कल्याण में सदैव ठाकुर ग्रुप अपना योगदान देगा। श्री दिनेश सिंह के मनोनयन पर श्री राम चौहान राष्ट्रीय महामंत्री, श्री विकास कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री रण सिंह शेखावत राष्ट्रीय सचिव, श्री पंकज सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री अंशुल गौरव सिंह कठेरिया राष्ट्रीय सचिव, हार्दिक केंद्रीय कार्यकारिणी की चमक से लोगों ने शुभकामनाएं दी। न्यूज़ 5 भारत की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।